नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक की देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। FIR में केजरीवाल के पीए पर आरोप, मालीवाल की शर्ट ऊपर खींची, बटन खुले, पेट पर लात मारी। आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट केस की FIR के मुताबिक विभव ने स्वाति के शर्ट ऊपर खींची जिससे बटन खुल गए, सीने और पेट पर लात मारी, उनका सिर टेबल पर पटक। उधर स्वाति ने 30,000 कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करा दिया है। गुरुवार रात को मालीवाल का मेडिकल भी करवाया गया। शाह बोले, केजरीवाल जहां जाएंगे शराब घोटाले की याद दिलाएंगे, कई लोगों को बड़ी बोतल दिखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केजरीवाल प्रचार के लिए जब भी जहां भी जाएंगे लोगों को शराब घोटाला याद आएगा, कई लोगों को तो बड़ी बोतल दिखेगी। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से आप कुछ मीडिया समूह इसको केजरीवाल की जीत मानकर चल रहे हैं, मैं इससे थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा, यह क्लीन चिट नहीं है। ईडी ने शराब नीति केस में आपको आरोपी बनाया, जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया। दिल्ली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। ईडी ने शराब नीति केस में आपको आरोपी बनाया, इस पर कोर्ट ने पूछा, साबित कैसे करेंगे। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। जांच एजेंसी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को 21 दिन यानी कि 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। मोदी बोले, आरक्षण बदलकर सपा कांग्रेस पाप करना चाहती है, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। पीएम मोदी यूपी के दौरे पर रहे, उन्होंने बाराबांकी फतेहपुर में रैली की। हमीरपुर में कहा, मैं कांग्रेस से सावधान करने के लिए आया हूँ, कांग्रेस वाले आपका वोट तो ले लेते हैं लेकिन ये लोग सरकार में आते ही सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करते हैं। 5वें फेज में 20 मई को यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग होगी। राहुल बोले, सरकार बनते ही गरीबों की लिस्ट बनाएंगे, 1 तारीख को खटाखट खटाखट पैसे आएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अमेठी में संयुक्त जनसभा की। राहुल ने कहा, 4 जून को अमेठी के सभी गरीबों की लिस्ट बनेगी, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। 5 जून को हम कानून बनाएंगे, इसी साल 4 जुलाई को 8,500 रुपए बैंक खाते में आए, हर महीने की 1 तारीख को खटाखट खटाखट पैसे आएंगे। राजस्थान में नेशनल हाईवे पर ट्रक में घुसी बस, 4 महिलाओं की मौत, 13 लोग घायल। राजस्थान के भरतपुर के हलैना के पास नेशनल हाईवे पर जयपुर जा रही बस आगे चल रहे ट्रक में घुस गई। इस भीषण हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई, 13 यात्री घायल हो गए। हादसे में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, बस के ड्राइवर और कंडक्टर घायल है, ट्रक ड्राइवर फरार है। राजनाथ बोले, डायनासोर की तरह कांग्रेस भी लुप्त तो हो जाएगी, यूपी में साइकिल की चेन भी उतर गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया पहुंचे, उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, साइकिल की चेन उतर चुकी है, 2014 में ही आपने साइकिल की चेन उतार दी थी, 10 साल तक जिस साइकिल की चेन न हो वह आगे कैसे बढ़ेगी। कांग्रेस की हालत भी खराब है, जैसे ही विश्व की धरती से डायनासोर लुप्त हो गए वैसे ही भारत से कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। चीन में गले मिले पुतिन जिनपिंग, अमेरिका नाराज, कहा, ऐसा कर यूरोप से रिश्ते नहीं सुधार सकता चीन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के दौरे पर चीन में हैं। गुरुवार को बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनका स्वागत किया, इसके बाद शाम को दोनों नेताओं ने साथ में चाय पी। पुतिन की यात्रा का पहला दिन खत्म होने पर जिनपिंग ने उन्हें गले भी लगाया। इस दोस्ती पर अमेरिका ने कहा कि चीन अगर पश्चिमी देशों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है तो वह यूक्रेन जंग में रूस का समर्थन नहीं कर सकता है। मिस्र के राजा का 3400 साल बाद चेहरा बनाया, इनकी मम्मी पर सोने की परत चढ़ी थी। वैज्ञानिकों ने मिलकर 14वीं सदी के मिस्र के राजा रह चुके आमेन होटेप की मम्मी के जरिए उनका चेहरा बनाया है। पिछले 3400 साल में यह पहली बार है जब दुनिया में अब तक के सबसे अमीर शख्स आमेन होटेप का चेहरा रिक्रिएट किया गया है। आमेन होटेप बेहद शक्तिशाली थे, मिस्र में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता था। पहले यह twitter.com था, एलन मस्क ने ट्विटर का नाम और लोगो बदलने के बाद अब उसके डोमेन को भी बदलकर x.com कर दिया है। मस्क ने 24 जुलाई 2023 को मस्क ने ट्विटर का नाम और लोगो बदलकर एक्स किया था। एलन ने 27 अक्टूबर 2022 को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर खरीदा था। ये डील $44 बिलियन में हुई थी, आज के हिसाब से ये रकम करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए होती है।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।